हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डायग्राम में दिख रहा है और हमें पता भी है ये क्या है। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और ये हमारे गट का लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, बट फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल वर्ड क्यों यूज करते हैं हम इसके लिए? क्योंकि इसका ल्यूमेन छोटा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का ल्यूमेन होता है इसका। सारी गट में से इस रीजन में मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो हम आए पहले ड्यूओडेनम पे। ड्यूओडेनम 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। आप स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे इमेजिन कर लो कि एक बड़ी सी पाइप है, उस पाइप के ना 3 हिस्से हैं। तो आगे वाला हिस्सा जो ड्यूओडेनम है वो स्टमक के पाइलोरिक रीजन से ज्वाइन है और इस रीजन में ही पाइलोरिक स्फिंक्टर भी है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो अब ड्यूओडेनम की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। अभी तक आपने इतनी सारी वीडियोस देखी है, उसमें 25 सेंटीमीटर एक और ऑर्गेनिल की लेंथ है। कौन सा है वो ऑर्गेनिल? ओएसोफेगस। वापस आओ, ड्यूओडेनम की शेप है सी शेप। ड्यूओडेनम मतलब वो पाइप है, आप इमेजिन करो उस पाइप को सी शेप की फॉर्म में रखे हुए। यही है ड्यूओडेनम रीजन। यही रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन का लिवर से बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस कलेक्ट करता है। इसके बाद हम आए जेजुनम में। जेजुनम मिडिल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो जेजुनम से एब्जॉर्प्शन के ऊपर फोकस बढ़ जाता है, ड्यूओडेनम तक डाइजेशन पे फोकस रहता है और जेजुनम से एब्जॉर्प्शन की तरफ आपका बॉडी का इंटरेस्ट जाने लगता है। जेजुनम के बाद आती है ईलियम। ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये लास्ट पार्ट भी है। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब नेक्स्ट आया, सो अब हम डिस्कस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है जिनकी वजह से ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम रोल प्ले करता है? इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होंगी म्यूकोसल लेयर की। हमने जैसा कि हिस्टोलॉजी ऑफ गट में पढ़ा है तो काफी लोगों के लिए ये एज अ रिविजन भी होगा, कुछ पॉइंट्स इसके एज अ रिविजन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पॉइंट नंबर 1 इज पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? पहले तो ये प्रेजेंट होते हैं ईलियम में। ईलियम कौन सा पोर्शन? ईलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पोर्शन, दैट इज द लास्ट पोर्शन, द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड द हाईली कॉइल्ड पोर्शन। इसके बाद ये आया कि ये होते क्या है। एक्चुअली हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल पर, पूरे गट पर लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट है। लिम्फोइड टिश्यू का रोल क्या होता है? हमारे डिफेंस में, हमारी इम्यूनिटी की तरफ रोल होता है लिम्फोइड टिश्यू का। और ये जो लिम्फोइड टिश्यू हमारे पूरे गट वॉल पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम गॉल्ट भी कहते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। पर पेयर्स पैचेस में ये होता है कि जो ईलियम है उस रीजन में ये गॉल्ट टिश्यूज एग्रीगेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब इकट्ठे से हो जाते हैं। तो हम उस इकट्ठे हुए गॉल्ट टिश्यू को लिम्फोसाइट टिश्यू को लिम्फोइड टिश्यू को पेयर्स पैचेस बुलाता है। सो पेयर्स पैचेस इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद डिफेंस एंड इम्यूनिटी ऑफ आर बॉडी। अब बात आई डाइजेशन पे। डाइजेशन में रोल निभाता है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। पहली पॉइंट तो अब ये वाला पोर्शन मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ गट में भी पढ़ाया है तो काफी लोगों के लिए एज अ रिविजन होगा और आप इसे एज अ रिविजन ही लीजिए। जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो आप ट्राई करो कि मुझसे पहले आपके मन में उसका आंसर आ जाए। सो पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्रिप्ट्स क्या होते हैं। क्रिप्ट्स होती है दरारें। एक्चुअली हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है वो चार वॉल्स, एलिमेंट्री केनाल की वॉल है वो चार लेयर्स में प्रेजेंट है। सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसल लेयर जो कि ल्यूमन के जस्ट आउटसाइड है और एज पूरी एलिमेंट्री केनाल की वॉल पे यही चार लेयर्स है और एलिमेंट्री केनाल के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली बात है इन लेयर्स ने किसी टाइप की मॉडिफिकेशंस डेवलप की होंगी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसल लेयर ने एक मॉडिफिकेशन डेवलप जिन्हें हम क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन कह रहे हैं। क्रिप्ट्स मतलब दरारे और लेबरकुन साइंटिस्ट के नाम पे है। इसके पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
पहले सेल्स को म्यूकस सेल्स कहते हैं, दूसरे सेल को पेनिट सेल्स और तीसरे को अर्जेंटा फिन सेल्स। म्यूकस सेल्स का फंक्शन क्या है? म्यूकस सेल्स का फंक्शन है लुब्रिकेशन। पेनिट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करने के लिए। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। अब हम आए अर्जेंटा फिन सेल्स पे। अर्जेंटा फिन सेल्स का काम होता है हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अब पेयर्स पैचेस डिफेंस और इम्यूनिटी से रिलेटेड था, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन डाइजेशन से रिलेटेड था। और हमने पढ़ा है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा रोल होता है। अब थर्ड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, दैट इज विलाय। स्मॉल इंटेस्टाइन पे हुआ है कि म्यूकोसा ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी डेवलप की है, जैसे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाय भी कहते हैं। और उन विलाइज के ऊपर भी माइक्रो प्रोजेक्शन डेवलप हुई हैं, जिनको हम माइक्रो विलाय कहते हैं। और इस मॉडिफिकेशन का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा दे। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसी फैक्ट के ऊपर ये मॉडिफिकेशन डेवलप हुई है। अब हम विलाय पढ़ते हैं। विलाय में अंदर होता क्या है? विलाय के अंदर होती है कैपिलरीज और लैक्टील्स। कैपिलरीज क्योंकि न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब होगा वो कैपिलरीज और लैक्टील्स में ही एब्जॉर्ब होगा। तो जब हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज भी दो टाइप की है, आर्टरीज और वेन्स। अब इसके बाद हम आते हैं लैक्टील्स पे। लैक्टील्स क्या होते हैं? लिम्फ वेसल्स। इसमें इन लैक्टील्स होती हैं लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो करता है? लिम्फ। लिम्फ कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। और लिम्फ किसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? लिम्फ हेल्प करता है, हेल्प क्या लिम्फ में होती है? फैट्स की एब्जॉर्प्शन। सो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली। और अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को फिनिश कर ली, बट अभी मैं क्वेश्चनेयर स्टार्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, जब मैं लार्ज इंटेस्टाइन को फिनिश करूंगी तब मैं उसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। क्यों? ताकि आपको याद रहे। ये वीडियो बहुत छोटी है तो अभी तो 5 मिनट के लिए ये सब याद रखना इज वेरी इजी टास्क। बट यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो इफ यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग देन डेफिनेटली सब याद हो गया। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।